सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। बड़कली चौक स्थित इसराइल मार्केट में दो दुकानों की चोरी की शिकायत देने के बावजूद भी नगीन पुलिस ने नहीं किया मुकदमा दर्ज। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नूह जिले के बड़कली चौक स्थित इसराइल मार्केट में 13 तारीख की रात को दो कपड़ों की दुकानों के ताले तोड़कर जो चोरी हुई थी उसकी शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक नहीं किया मुकदमा दर्ज। पीड़ित अरशद ने बताया कि चोरी होने के बाद ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन 5-6 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि चोरों की सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर भी कैद हो गई थी जिनको पहचानना बिल्कुल आसान है। पीड़ित अरशद ने बताया कि अगर यहां की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो एसपी व डीसी को शिकायत दी जाएगी। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अरशद ने बताया कि मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूं, मैं अपने बच्चों का गुजारा उसी दुकान से करता था जिसका चोरों ने सारा सामान चुरा लिया। अब मैं अपने बच्चों का गुजारा कैसे करूंगा। ईद का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है। ईद की तैयारी के लिए दुकान में कस्टमरों के कपड़े रखे हुए थे जिन सभी को चोर चुरा के ले गए। अब उनको मैं कहां से पैसा अदा करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसा नहीं कि मैं कस्टमरों को कपड़ों का पैसा अदा कर सकूं। अगर पुलिस प्रशासन ही हम गरीबों की नहीं सुनेगी तो हम गरीबों का क्या होगा। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। 13 तारीख में मेरी दुकान में दोनों में चोरी हुई थी, लेकिन हमने वो वहाँ नगीना थाने में एप्लीकेशन भी लगाई थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होगी, हम एसपी डीएसपी के पास भी जाएंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दिलाया जाए। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।